तो अभी मैं हूँ ये विश्वनाथ गली है, मतलब बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाने के लिए ना, मतलब कई सारे रास्ते हैं। तो मैं जिस रास्ते पे हूँ ये है बाबा विश्वनाथ की गली, मतलब ये गुदौलिया मार्केट है, उसके अंदर से गुदौलिया मार्केट से ही ये वाली गली जाती है। तो ये वाली गली खुलती है गेट नंबर 1 पे मंदिर के। तो यहाँ पे इस वाली गली में बहुत अच्छी और बहुत सस्ती वाली मार्केट लगी हुई है, मतलब बहुत सस्ती और बहुत अच्छी वाली मार्केट है यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो मैं ये वाला मार्केट भी कवर कर लेती हूँ, तो मैंने सोचा मैं ये वाला मार्केट भी कवर कर लेती हूँ और बाबा के दर्शन भी कर लेती हूँ। और आज है शिवरात्रि के एक दिन पहले का दिन, मतलब 10 तारीख। तो 10 तारीख को क्या हालचाल है इस गली का और मंदिर जाने के लिए कितनी भीड़ है, मैंने कहा वो भी सारा रिव्यू हो जाएगा। तो बस अभी उधर ही चल रही हूँ मैं। भैया ये साड़ियाँ कैसी दे रहे हो, मतलब दिखाइए। हाँ 200 वाली पहले दिखाइए। तो ये वाली जो शॉप है ना, ये वाली शॉप बाबा विश्वनाथ की गली में पड़ती है, जो बाबा विश्वनाथ की गली का मार्केट है उस वाली मार्केट में वाली शॉप पड़ती है। और यकीन मानो, मतलब इतनी अच्छी और इतनी सस्ती साड़ियाँ मिलती हैं बनारस में। अगर बनारस साड़ियों के लिए जाना जाता है तो मैं ये बिल्कुल 100% से कहूँगी कि सच में बनारस में साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं और प्राइस भी बहुत अच्छे हैं। 200 से लेकर के लाखों तक प्राइस जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ देखिए आप लोग, बनारस अपनी साड़ियों के लिए, बनारस अपने पान के लिए, बनारस अपने भोकाल के लिए, और ऑब्वियसली थिंग है बनारस अपनी गलियों के लिए भी फेमस है। तो यहाँ पे ये देखिए ना, ये वाली जो गली है ना, इतनी ज़्यादा कंजस्टेड है, मतलब इतनी ज़्यादा सकरी गली है ये कि दो आदमी भी ठीक से नहीं चल सकते हैं, और वो भी आज के दिन, मतलब आज शिवरात्रि से एक दिन पहले ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, जिसमें कि इतनी भीड़ है, श्रद्धालु इतने ज़्यादा हैं और कुछ लोग शॉपिंग करने वाले हैं, कुछ लोग जनरल गली से पास आउट करने वाले हैं। तो मतलब दो लोग भी ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और मेरे पीछे देख सकते हैं ये श्रद्धालु वगैरह, कितनी भीड़ है, ये सारे के सारे लोग दर्शन करके जा रहे हैं बाबा के। क्योंकि वैसे तो इस मंदिर में भीड़ रहती ही रहती है बहुत ज़्यादा, लेकिन शिवरात्रि
है शिवरात्रि, तो आज बहुत ज्यादा भीड़ है, देख सकते हैं कितनी भीड़ है। क्योंकि शिवरात्रि के एक दिन पहले से दर्शन शुरू कर दिए जाते हैं, मतलब उन श्रद्धालुओं के लिए जो बाहर से आते हैं दर्शन करने के लिए, और उसके बाद में शिवरात्रि के एक दिन पहले से लेकर के शिवरात्रि के दिन और शिवरात्रि की पूरी रात दर्शन होते हैं। तो ये देखिए आप लोग यहाँ कितनी भीड़ है। अब ये बिल्कुल बाबा का जो गेट है ना, उस गेट के सामने की भीड़ है, ये गेट नंबर एक की भीड़ है, ये देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो अभी मैं निकल रही हूँ उस गली से बाहर, मतलब एक नंबर का जो गेट है ना बाबा विश्वनाथ का, वो उसके सामने की भीड़ थी और मैं उसी गली में हूँ। अब मैं इस गली से बाहर निकल रही हूँ रोड साइड पे, जो वाला जो रोड जाता है मणिकर्णिका गेट नंबर 4 की तरफ, तो वहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ आप लोगों को कि वहाँ क्या हालचाल है, रोड पर कितनी भीड़ है और वहाँ कैसी व्यवस्था है। तो ये मैं बाहर आ चुकी हूँ अभी गेट नंबर 4 की तरफ, ये है मेन रोड और यहाँ देखिए अब कैसी भीड़ है। और ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, देखिए लिखा हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सुविधा केंद्र, मतलब यहाँ जाकर के आप ई पास भी बनवा सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं पेपर पास वगैरह भी ले सकते हैं, मतलब उसका हार्ड कॉपी वगैरह भी ले सकते हैं, और 300 रुपीज़ चार्ज लगता है एक पास का। तो यहाँ से आप पास लेकर के ना बहुत ही ईजिली बहुत ही ईजी वे में दर्शन कर सकते हैं, बिना किसी लाइन के, बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो ये मतलब एक तरह से VIP फैसिलिटीज़ मिलती है उन लोगों को जो लोग टाइम नहीं लेके आते हैं या जिनके पास टाइम बहुत कम होता है, तो वो लोग अपना इस तरह से दर्शन कर सकते हैं। तो ये मैं आ गई हूँ गेट नंबर 4 की तरफ, मतलब गेट नंबर 4 से जो दर्शन होते हैं मणिकर्णिका गेट पे। तो आप लोग देख सकते हैं ना यहाँ पे कैसी व्यवस्था बनाई है, ये रोड है ना, तो रोड पे सवारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह ही नहीं है, इसलिए उन्होंने बल्ली वल्ली लगा करके इस तरह से एक छोटी सी गली जैसी बना रखी है। तो उस गली के अंदर श्रद्धालु वगैरह चल रहे हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो रियली आर हेड्स ऑफ टू प्रशासन जो यहाँ पे इतनी मदद करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमेशा ये तो शिवरात्रि का टाइम है लेकिन यहाँ हमेशा उतनी ही भीड़ रहती है जितनी कि शिवरात्रि या किसी अन्य ओकेज़न पे रहती है। शिवरात्रि है तो चलो ये तो बाबा का पर्व ही है एक तरह से। तो अभी के ये हैं कुछ हालात यहाँ पे। और ये जो मैंने कॉरिडोर दिखाया है ना आपको, मतलब यहाँ पे बाबा विश्वनाथ का टिकट विकेट मिलता है, वहाँ पे 300 रुपीज़ लगता है टिकट का, जिसको आप ले करके ईजी वे में दर्शन कर सकते हैं, आपको लाइन वाइन नहीं लगानी पड़ेगी, 300 रुपीज़ में ही आपको अच्छे से दर्शन वगैरह करा दिए जाएंगे। तो ये है कुछ इस तरह में, तो ये है कुछ इस तरह से यहाँ बाबा विश्वनाथ मंदिर के सामने की व्यवस्था और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था।